सर मैं बॉलीवुड न्यूज़ स्टेशन की तरफ से आया हूँ, सोशल वर्क मीडिया है अपना है, और ये अपने आज तीसरा दिन है सर कुंदन जी, तो आप हाँ तुम्हें चौथा दिन है ये आपका, और काफ़ी मुझे लगा है काफ़ी सपोर्ट मिला है आप लोग को, और काफ़ी लोग आपके साथ में हैं, और कौन कौन लोग आपको सपोर्ट कर रहा है, और ये कहाँ तक आपका मिशन पहुँचा है उसके बारे में कुछ आप बताएंगे बॉलीवुड एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें कौन कौन लोग आपके साथ हैं, फेडरेशन कौन कौन फेडरेशन है और एसोसिएशन कौन कौन है? तो ऑल इंडिया फेडरेशन हमारे साथ है, जो आईएसआई के सब हमारे साथ हैं, क्योंकि अभी हैदराबाद में शूटिंग बंद हो गई, दुबई से हमारे अभी स्टेट्स में बुलाया था, हमारे फाइट मास्टर लोग सब वापस आ गए दुबई से, तो सब हमारे साथ हैं, और हमारा वाइस क्राफ्ट भी हमारे साथ है, भ्रष्ट नेता साथ में नहीं है, लेकिन हमारे वाइस क्राफ्ट के लोग यहाँ आके जा रहे हैं, जो हमारे साथ कह रहे नहीं है उनके लिए मेंबर भी यहाँ पर आके जा रहे हैं, सब ये प्रूफ है, ये लोग हमारे लोग वाइस क्राफ्ट के लोग यहाँ आके जा रहे हैं, बैठ के जा रहे हैं, रुकते जा रहे हैं, कोई कोई तो शाम तक भी रुक रहा है, भले डर के मारे जा रहे हैं जल्दी, क्योंकि उनको देख के उनको मतलब बाद में पुलिस न किया जाए, सब क्राफ्ट के लोग हमारे साथ हैं, पर 90% हम लोग सफलता के गेट में पहुँच गए, वो हिले हुए हैं, वो अपने आदमी भेज के यहाँ पर हम लोग को परेशान कर रहे हैं, कभी वीडियो शूट करवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं, मतलब किसी तरह के हम लोग झगड़ा करें कुछ करें, और पुलिस हमको खदेड़े परेशान करें प्रेशराइज करें, तो हम लोग बहुत शांति से ले रहे हैं, पर हम लोगों को कोई दादागिरी वो नहीं करना, हम लोग शांति से भोकरताल में बैठे, हमें शांति से अपना आंदोलन करने दो, गड़बड़ कराने की कोशिश मत करो, है ना, जब तक हम में हिम्मत है हम लोग बैठेंगे, जब तक आप में हिम्मत है आप हमको परेशान करते रहो। राजा भाई अगला क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ, राजा भाई ये बॉलीवुड इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, वो भी मुंबई के अंदर, जहाँ से हम अमेरिका लंदन जापान कहाँ कहाँ नहीं शूटिंग करते हैं, और काफ़ी लोग हमारे साथ में, जिसमें आप बताते हैं हमने 800 करोड़ कमाया, 1000 करोड़ कमाया, तो वर्कर ने क्या कमाया उस, अगर वो हजारों करोड़ कमाते हैं तो आपके लिए कभी कुछ चाहते हैं हम 10% निकाल के दें या 2% भी निकाल के दें, वर्कर का कोई पेमेंट वो भी पूरा नहीं देने की कोशिश करते हैं, तो उसके बारे में उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बिग शॉट हैं और करोड़ों में खेल रहे हैं और वर्कर आज झोपड़पट्टी में ही है? बिल्कुल सर, मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि हमारे काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे हैं, काफ़ी हमारे प्रोडक्शन हाउस है जो फिल्म लाइन के हैं, जो हमारे वर्कर को मदद करने के लिए हम अगर उनको अप्रोच करते तो मदद जरूर करते हैं, लेकिन मैं उनके पास ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि सर वो मदद अलग होती है, वो हम जब तुम्हारे आगे हाथ पे लाते हैं तो तुम हमारी मदद करने के लिए आते हो, मेडिकल के लिए या हमारे फिजिकल कोई हैंडीकैप होता है उसके लिए, पर मैं आज ये आपसे हाथ जोड़ के हमारी तरफ से हमारे जितने इधर मेरे भाई लोग बैठे हैं, मेरी बहन लोग बैठी है भूकरताल में, मैं उन तक बिग शॉट बिग आर्टिस्टों की तरफ मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये मदद आज जो हमारे हजारों की तादाद में करीबन 15 से 20 हज़ार की तादाद में हमारे वर्कर्स यहाँ आए हुए, जो अपने हक और हमारी जेन्युइन मांगों के लिए मांगने के लिए खड़े हैं। बॉलीवुड इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द हॉलीवुड, तो ये हॉलीवुड का फर्स्ट सेकेंड पार्ट है बॉलीवुड, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो हॉलीवुड तक ये खबर पहुँचे कि देखो फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड आप सेकेंड नंबर पर लाते हो, बट यू आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग योर पीपल देयर इन हॉलीवुड, बट वी आर, मैंने इधर कई फिल्मों में मैंने मेरे कई बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ इंग्लिश फॉरेनरों के साथ काम किया, अगर वो लोग आधा घंटा काम करते हैं वी हैव टू पे देम इन डॉलर्स एंड पाउंड, तो पूरी उनकी 8 घंटे की शिफ्ट दी जाती है, ये हमारे वर्कर यहाँ अगर 1 घंटा काम करता है तो उसमें भी उसको 50 रुपये दे के बोलते हैं भाई आप घर जाइए, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप उधर जाते हैं फॉरेन में जाते हैं और आप फॉरेन कंट्रियों में शूटिंग करते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी लोकेशन पर काम करते हैं, आपको वहाँ के लाइटमैन और इलेक्ट्रिशियनों को लेते हैं, आपको खुद मालूम है कि जब उनका ब्रेक होता है 1:30 बजे दे विदाउट आस्किंग एनीबडी दे पुट ऑफ द लाइट एंड दे गो बैक, इवन इन मद्रास के हमारे लाइटमैन ऐसे हैं कि जो ऑटोमेटिकली लाइट ऑफ करते हैं और बड़े बड़े आर्टिस्ट सेट पे होने के बाद भी पैकअप हो जाता है और उनको ब्रेक के लिए देना चाहता है, पर हमारे मज़दूर यहाँ के बॉम्बे के मज़दूरों के बाद मैं बोलना चाहता हूँ और मैं उनको सलूट देना चाहता हूँ कि इतनी तकलीफ होने के बाद भी 4-4 बजे तक वो इधर उधर शक्ल देखते हैं कि कौन मसीहा आएगा जो हमारा ब्रेक कराएगा, वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकते इन प्रोड्यूसरों के सामने, इतना उनको जंजीरों में कैद करके रखा है कि वो अगर बोले तो कल इनको दूसरे को चेंज कर देते हैं उनकी जगह पे, इतना डर मिटा दिया है, और वहाँ के हमारे मद्रास के लाइटमैन लाइट ऑफ करके निकल जाते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बाहर जाके शूटिंग कर दें तो टेक सम लेसन, वहाँ कुछ सीखो आप लोग कि यहाँ और वहाँ में कितना फर्क है, बॉलीवुड और हॉलीवुड ये दो इतनी महान हस्ती महान नाम है जिसके इतना ये होता है, जैसे हमारे इधर फिल्म फेयर अवार्ड होता है, हमारे बड़े बड़े
अवार्ड होता है, फिल्म फेयर अवार्ड कराते हैं, स्टार जी अवार्ड होता है, स्क्रीन अवार्ड होता है सर, वो अवार्ड कराते किस नाम पे आपको पता नहीं होगा सर, वो बोलते हैं कि हम ये अवार्ड का जो पैसा कलेक्ट होता है वी आर गिविंग द मेडिकल एड टू द वर्कर्स। मुझे बताइए सर कि कहाँ इतना पहले इतना था ना जो सिंगापुर में जाके करते थे आईफा तो वो हमारे को मेडिकल एड देता था, उसके अलावा किसी ने इतने बड़े बड़े स्क्रीन अवार्ड हो गए, जी अवार्ड हो गया, सब नाम पे हमारे वर्करों के नाम पे नोट कमा रहे हैं चैनल्स, हमारे वर्कर पे वो लूट रहे हैं जाके बाहर, लेकिन हमारे वर्करों को कभी किसी ने पैसा नहीं दिया है सर। ये मैं इसलिए जानता हूँ कि मेरे इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात है, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता हूँ मैं इंटरनेट डे पर, तो मेरे वर्कर को जब तकलीफ पड़ती ना मैं उनके पास जाता हूँ, डिमांड करता हूँ, मैं लेटर भेजता हूँ और वो लोग वो चीज़ देते हैं। लेकिन आज क्या है कि ये आम जी तो वर्कर है, कुछ वर्कर के एसोसिएशन के कुछ लीडरों को ये अप्रोच होगी, सबको नहीं मालूम है। मैं ये बोलता हूँ सर आप लोगों से रिक्वेस्ट करके आपके मीडिया के माध्यम से, क्यों नहीं बॉलीवुड की हॉलीवुड की तरह बॉलीवुड हो जाए। बॉलीवुड एक चमकता सितारा है सर, बहुत चमकते हमारे इतने खूबसूरत सितारे जिनके पीछे मैं एक कहूँगा कि वो खूबसूरत फूल है जिसके पीछे हमारे जूनियर आर्टिस्ट हमारे दूसरे लाइट में एक छोटे छोटे फूल बन के गुलदस्ता बनता है, और वो गुलदस्ता जब मार्केट में निकलता है तो 1000 करोड़ में, 100 करोड़ में, 300 करोड़ में बिकता है। तो मैं उन लोग से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि ऐसे वक्त पे वो गुलदस्ते हमारे साथ आके खड़े हो। आज ये छोटे छोटे से फूल, ये छोटी छोटी सी कलियाँ उनका इंतजार कर रही है, उनको बुला रही है, और हम उन्हीं वर्करों के लिए इधर भूख हड़ताल पे बैठे और उन्हीं आर्टिस्ट तक हम ये मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं कि सर आप आइए। कोई तो मद्रास जैसा रजनीकांत बनिए सर, काफ़ी लोग हैं। पिछली बार हमारी ब्लैकआउट हुआ था जब हमारी सुनील दत्त साहब जिंदा थे, सुनील दत्त साहब ने पट्टी बंधवा के काला घोड़े पर हमें लेके गए थे, वहाँ काफ़ी उन्होंने जद्दोजहद की थी। लेकिन अमित जी वहाँ एक अमित जी जब उस टाइम 70-80s का मसला है, सुपरस्टार थे, अमित जी ने एक एंट्रेंस रखी, अपना पावर रखा और स्ट्राइक विड्रॉल हो गई, प्रोड्यूसरों ने मांगे मान ली। मैं कहता हूँ कि सर ऐसा ही कोई मसीहा का हम भी इंतजार कर रहे हैं, और हमारी आंखें तरस रही है, हमारी आंखें तरस रही है कि तो मसीहा हमारे पास आए और हमारी मांगे पूरी करे, हमारी जेन्युइन मांगे सर प्लीज।